हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में बच्चों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, टॉपिक इज़ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड द कोफिशियंट ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोग बच्चों स्टैंडर्ड 10th की मैथमेटिक्स डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को पॉलिनोमियल के टॉपिक्स को पढ़ा रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को 2.1 एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट डिटेल में समझा दिया है। यदि आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि बच्चों यदि लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी, और उसका यदि आप जीरोस निकालोगे तो हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। कैसे होगा, तो आप ऐसा देख पा रहे हो कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू आपको क्या करना है, जीरो करना है। अब आपको x की वैल्यू यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे प्लस बी है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा क्या, यस। तो इज इक्वल टू हम माइनस बी लिख सकते हैं, और यहाँ पे a जो है मल्टीप्लाई के फॉर्म में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस बी अपॉन ए। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा, इसका जीरोस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी सोल्यूशन बनता है। तो उसके लिए हमारे पास दो फॉर्म होते हैं, एक मेथड होता है फैक्टर मेथड होता है, फैक्टर मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं उसका। इसके बाद आपको आपके पास एक फार्मूला बनता है, ये दो फार्मूला आपको याद रखना है, सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये किसके लिए होगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो ये जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपको जो है क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं काफ़ी सारे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल भी डिस्कशन कर रहे हैं, तो फाइंड द जीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड द कोफिशियंट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर निकाल के आप क्या कर सकते हो, जीरोस निकाल सकते हो। फैक्टर निकालने की मेथड जो है हम लोगों मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताए हुए हैं। तो आपका जब आप फैक्टर निकालोगे इसका एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन का, तो वो एक्स प्लस टू एक ब्रैकेट में आएगा, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस फाइव आएगा। तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू माइनस टू हो रहा है और एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव, ये दो इसके क्या हो जा रहे हैं, सोल्यूशन आ जा रहे हैं, जीरोज़ आ जा रहे हैं। तो सम ऑफ द जीरोज़ करोगे तो माइनस टू एंड प्लस ऑफ माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस सेवन हो जाएगा, और इस तरीके से करोगे फार्मूला के माध्यम से तो हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और बी की वैल्यू है सेवन, तो माइनस सेवन अपॉन ए की वैल्यू जो है वन है, तो उस तरीके से वो माइनस सेवन अपॉन वन हो जाएगा। उसी तरीके से आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी निकाल सकते हो बच्चों। देन आफ्टर आगे की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को 2.3 के लिए जो मैं कुछ कंसेप्ट बताने वाला हूँ, जो डिवीजन मेथड है, आज हम लोग डिवीजन मेथड भी डिस्कशन करने वाले हैं। उसके लिए बेसिक कंसेप्ट क्या होगा, अब ये फार्मूला आपको बच्चों याद रखना है किसके लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। इसके लिए आपको पता है यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज़ जो होंगे वो मैक्सिमम थ्री होंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है वो माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फ़ा जो है सी अपॉन ए हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा जो है वो माइनस डी अपॉन ए हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है किसके लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आता है डिवीज़न कंसेप्ट। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लास में करवा दिए हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हो। तो आइए नेक्स्ट डिवीज़न एल्गोरिदम ऑफ द पॉलिनोमियल के टॉपिक को देखते हैं। तो डिवीज़न एल्गोरिदम की जो पॉलिनोमियल की टॉपिक है, इसके अंदर हम जो है सीखेंगे कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल के थ्रू कैसे डिवीज़न करें, या डिवीज़न करके उसका हम लोग फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका पास एक है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, तो हम लोग स्प्लिटिंग मेथड से या फिर फैक्टर मेथड से इसका फैक्टर आसानी से कर सकते हैं। यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हमें फैक्टर करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जैसे जैसे वो क्वाड्रेटिक से क्यूबिक बनता है,
क्यूबिक से क्वाड्रपल बनता है, मतलब जैसे जैसे एक्स की पावर बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमें फैक्टर करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो यदि मैक्सिमम पावर है, यदि डिग्री जो है 3 का हो 4 का हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टर करने के लिए डिवीजन मेथड का उपयोग करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, ये एक क्वेश्चन है। इसको फैक्टर करने के लिए x माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 उससे इन्होंने किया हुआ है। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को हम लोग डिवीजन के मेथड से करेंगे, डिवीजन से करेंगे तो हमें जो है आसानी से इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन से हम लोग कंसेप्ट सीखते हैं डिवीजन का क्या है। तो एग्जांपल हमें दिया है कि डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई x प्लस 2। x प्लस 2 से 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आइए ध्यान से देखते हैं। तो जिसको डिवाइड करना है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर रखना पड़ेगा, और जिससे डिवाइड करना है उसको बाहर रखना पड़ेगा। ऑलरेडी आपने ये कंसेप्ट बचपन में सीखा हुआ है। अब आपको जो है डिविडेंट और डिविजर, ये जो डिविडेंट है x प्लस 2 और जो डिवीज़र है टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको हमें डिवाइड करना है। तो आगे जो है x प्लस 1 जो है बच्चों, x प्लस 2 जो है उसमें आगे का जो मैक्सिमम पावर है इसका कितना, x का 1 है, और इसमें पहले वाले का कितना है तो 2 है। तो कम से कम हमें एक ऐसी वैल्यू को चूज़ करनी पड़ेगी कि इनकी डिग्री क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस पहले पार्ट को लेंगे और इसको लेंगे, उससे डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर ऊपर और नीचे जो x हो जाएगा, तो ये x से ये x को उड़ा दो, कितना बचा, 2x बचा। अब 2x से इस x में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे 2x स्क्वायर मिल जाएगा। तो इस पहले वाले x को मैं क्या करूंगा, 2x से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जैसे मल्टीप्लाई करूंगा वो 2x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये 2x को बाहर रखना है और x प्लस 2 में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे 2x मल्टीप्लाई x, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई 2 प्लस, तो 4x बन जाएगा। तो इस तरीके से आप नीचे रख पा रहे हो। उसके बाद उसको आपको माइनस कर देना है, तो ये 2x स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और साइन जो है उसकी चेंज कर देनी है, प्लस है तो माइनस रखना है, माइनस है तो प्लस रखना पड़ेगा। तो ऊपर से 3x प्लस में है, नीचे 4x माइनस में है, तो माइनस करेंगे तो माइनस एक्स बचेगा, और ऊपर से प्लस 1 उतार लीजिए तो माइनस एक्स प्लस 1। बाद में यदि मुझे अब आपको वापस से इस डिवीज़र को देखना है, तो उसके अंदर एक्स प्लस 2 है और हमें लाना है माइनस एक्स, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे आप माइनस 1 से उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स माइनस ऑफ 2 आ जाएगा। बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 जो है वो क्या बच गया, रिमाइंडर बचता है आपका, ठीक है। एक फार्मूला आपको याद रखना है यहाँ पे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोशियंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंट जो है वो डिवीजर मल्टीप्लाई कोशियंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेम थिंग्स कंसेप्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस तरीके से। तो उसके अंदर वापस से आपको क्या करना है, तो ठीक है ध्यान से देखिए, पहले वाले टर्म को देखिए, यहाँ पे 3x क्यूब है। 3x क्यूब लाने के लिए इस x स्क्वायर में आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x का पावर कितना है, 2 है, तो एक x आपको चाहिए, तो एक x से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। आगे कोफिशियंट 3 है तो एक 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इस पूरे टर्म्स को 3x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप पूरे टर्म को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही इसका जो सॉल्यूशन बन जाएगा, 3x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, तो ये टर्म्स आ जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो ये 3x क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर है, वहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है तो माइनस 5x स्क्वायर बचेगा। उसके बाद ऊपर 2x प्लस में है, नीचे 3x माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस एक्स हो जाएगा। उस तरीके से प्लस 5 को भी उतार लीजिए नीचे, बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से इसका जो है वो रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, इफ़ px and the gx are the two polynomial with gx is not equal to 0, then we can find the polynomial qx and rx such that p of x is equal to g of x into q of x plus r of x। डिवीजन एल्गोरिदम से। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं वेरीफाई आपको करना है डिवीजन एल्गोरिदम से ही। तो आगे आप यहाँ पे जो है सेम थिंग्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसके बाद हम लोग इसका वेरीफिकेशन भी करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ये है एक्स की पावर क्यूब प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5, और उसके बाद आपका जो डिवीजर है वो एक्स की पावर 2 है प्लस एक्स है माइनस 1 है। तो आपको क्या करना है, पहले एक्स की पावर 3 लाना है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है तो एक्स से आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के स्क्वायर करोगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स की मल्टीप्लाई माइनस 1 करोगे तो माइनस एक्स आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा। देन आफ्टर आपको यहाँ पे 2x² मिल रहा है, तो यहाँ पे माइनस 2 है, यहाँ पे प्लस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऑलरेडी आप आसानी से कर सकते हो। वेरिफिकेशन करने के लिए बच्चों आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि डिवीजर मल्टीप्लाई कोशियंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, ये आना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जांपल, इसलिए मैं आप लोगों को आज एग्जांपल ही करा रहा हूँ, जिसमें क्या है कि आपके पास फाइंड ऑल द जीरोज़, आपको क्या करना है इसमें जीरोज़ निकालना है, ठीक है। इफ़ यू नो द टू ऑफ जीरोज़ आर रूट टू एंड माइनस ऑफ टू, तो आपको रूट टू और माइनस टू पता है कि ये जो है जीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल के, तो आपको अदर जीरोज़ जो है निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे, तो x इज इक्वल टू रूट टू और x इज इक्वल टू माइनस रूट टू, तो एक x इज इक्वल टू एक्स माइनस टू और दूसरा x प्लस टू जो है इसका क्या हो जाएगा जीरोज़ हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए साथ में, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू जो है इस पॉलिनोमियल का एक क्या होगा फैक्टर होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू से आप क्या करोगे इस पॉलिनोमियल को क्या करोगे डिवाइड कर लीजिए। तो जैसे आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड का आई थिंक अभी तक आप लोगों को डिवीजन के कंसेप्ट जो है वो दोस्तों क्लियर हुए होंगे। यदि नहीं क्लियर हुए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और भी अच्छे तरीके से बताने की कोशिश यहाँ पे से की जाएगी। फिर से आप एक बार देख सकते हो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू है, डिविडेंड के अंदर 2x⁴ है, माइनस 3x³ है, माइनस 3x² है, प्लस 3x है, माइनस 2 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, तो एक्स स्क्वायर तो चाहिए ही, और आगे यहाँ पे 2 है तो 2 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2x² से आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x² मल्टीप्लाई x² करेंगे तो 2x की पावर 4 आएगा, 2x² मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 4x² आएगा। इसको इसको यहाँ से आप कट कर सकते हो, माइनस 3x³ बचेगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 4-3 गया तो 1x² बचेगा, 6x उतार लीजिए, माइनस 2 उतार लीजिए, वापस से आप सॉल्व कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो इस तरीके से आप जो है इसको पा सकते हो। तो ये जो है आपका एक क्या हो जाएगा फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको उस कंसेप्ट के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन जो है हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसी वीडियो में हम लोग कंटिन्यूअस कर रहे हैं सॉल्यूशन को भी। तो पहले क्वेश्चंस में करना क्या है, तो डिवाइड द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स बाय पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स एंड फाइंड आउट द कोशियंट एंड द रिमाइंडर इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको डिवाइड करने के बाद जो है कोशियंट और रिमाइंडर बचता है उसको आपको निकालना है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, तो सेम एज इट इज़ डिवाइड करना है, डिवाइड करके आपको निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन 3 जो है वो अभी एक एग्जांपल जो हम लोग डिस्कशन किए थे बच्चों उस तरीके से ही है कि दो रूट्स दिया हुआ है, उस रूट से आपको इसको सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है वापस से पी ऑफ एक्स दिया है कोशियंट एंड द रिमाइंडर इज गिवन फाइंड द जी ऑफ एक्स। तो ऑन डिवाइडिंग दिस, इसको डिवाइड करने से, डिवाइडिंग ए पॉलिनोमियल, ऑन डिवाइडिंग दिस बाई ए पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स, इसको यदि हम लोग किसी जी ऑफ एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमें ये और ये मिल रहा है, तो आपको जी ऑफ एक्स निकालना है, वो भी निकाल लेंगे। तो आइए हम लोग इसको हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करते हैं अपने इसी वीडियो में। एक्सरसाइज 2.3 को हम लोग बच्चों डिस्कशन कर रहे हैं, और इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया है कि डिवाइड कैसे करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसे इसका डिवीजन करना है। पी ऑफ एक्स आपको दिया है एक्स की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। क्यू एफ एक्स आपको दिया है एक्स की पावर टू माइनस ऑफ टू। तो बच्चों क्यू ऑफ एक्स को बाहर रखना है तो एक्स स्क्वायर माइनस टू बाहर हो जाएगा, पी ऑफ एक्स को अंदर रखना है। अब क्या करना है आपको, तो आपको सबसे पहले जो है पॉलिनोमियल के फर्स्ट टर्म को देखना है और डिवीजर के फर्स्ट टर्म को देखना है।
तो डिवीजर का फर्स्ट टर्म का पावर जो है एक्स की पावर 2 है, पॉलिनोमियल जिसको आपको डिवाइड करना है उसका एक्स की पावर 3 है। तो कितने एक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक एक्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक एक्स आपको यहाँ पे ऊपर रखना है, उस एक एक्स से क्या करोगे आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 3 आ जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 2x बनेगा ये, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, आप इसको कट कीजिए, तो जैसे आप इसको कट करोगे तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब जो है वो कट जा रहा है, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब जो है ये कट जाएगा। अब आपको बचेगा कि 3x स्क्वायर एज इट इज़ नीचे उतार लेना है, 5x में से 2x या तो 7x बचेगा, ठीक है बच्चों, दोनों ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो प्लस साइन जो है जब हम चेंज करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 5 + 2 7 हो जाएगा, और ये -3 एज इट इज़ उतारना है। अब हमें क्या करना है, तो ये 3x स्क्वायर बन गया, यहाँ पे ऑलरेडी x स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3 चाहिए इसके लिए हम लोग -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 मल्टीप्लाई एक्स तो -3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस मल्टीप्लाई 6 तो +6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका क्या बच रहा है, 7x - 9 इसका क्या बच रहा है बच्चों, रिमाइंडर बच रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, यदि किसी भी प्रकार के कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उसकी सॉल्यूशन करने की कोशिश यहाँ से की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, p(x) आपको इतना दिया है, एक्स की पावर 4 -3x स्क्वायर +4x +5, तो आपको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप जो है पॉलिनोमियल के जो पॉलिनोमियल जो है नहीं दिया है जो पॉलिनोमियल, तो उसके फॉर्म कुक के आगे आप जीरो रख के उस पॉलिनोमियल को भी एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने अब यहाँ पे किया हुआ, एक्स की पावर 4 +0x की पावर 3 -3x स्क्वायर +4x +5, और आपको डिवाइड करना है एक्स की पावर एक्स स्क्वायर -x +1 से, तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर -x +1 को बाहर रखोगे और एक्स की पावर 4 0x क्यूब -3x स्क्वायर +4x +5 को अंदर रखोगे। तो अभी यहाँ पे एक्स की पावर क्या है बच्चों, एक्स का स्क्वायर है, तो वहाँ से अभी आपको एक्स की पावर 4 चाहिए ना, तो आप क्या करोगे, एक्स की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, दो पावर की कमी है तो दो पावर से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे आप एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा आपका एक्स की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स करोगे तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा, और उसके बाद एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 करोगे तो एक्स स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से ये पार्ट आपको आ गया। अब क्या करोगे, आप साइन चेंज कर दीजिए तो माइनस माइनस कट जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की पावर 3 आ गई, ठीक है, तो एक्स की पावर 3 मिल गई यहाँ पे। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, -3x स्क्वायर है और ये -x स्क्वायर है तो -4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x को वापस उतार लीजिए, 5 को नीचे उतार लीजिए। अब यहाँ पे बच्चों x की पावर 2 है, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 3 है, तो एक x की कमी है, तो x से हम आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x मल्टीप्लाई x स्क्वायर तो x का पावर 3 हो जाएगा, x मल्टीप्लाई x तो x का पावर 2 हो जाएगा, और x मल्टीप्लाई 1 तो x हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलता है, ये तो आपको कैंसिल हो जाएगा टर्म, और 4x स्क्वायर -4x स्क्वायर +x स्क्वायर तो हो जाएगा -3x स्क्वायर, 4x -x करेंगे तो 3x हो जाएगा और ये +5 नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर जो है रिमाइंडर आपको बचता है 8। अब आप बच्चों इस तरीके से इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। नेक्स्ट जो है इसी तरीके से आपको सेम टू सेम फॉलो करना है, और जो है क्वेश्चंस आपको यहाँ पे x की पावर 4 -5x +6, अब आपको इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, x की पावर 4 +0x की पावर 2 -5x +6, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको आप आगे भी लिख सकते हो -x² +2, इसे आप जो है डिवाइड करोगे तो इस तरीके से आपका x की पावर 2 +2 है। अब यहाँ पे जो है x की पावर 4 +0x स्क्वायर -5x +6, तो इसको आप जो है आप क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहोगे, तो x की पावर 2 है मल्टीप्लाई x की पावर 2 करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगा, उसके बाद x की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2x की पावर 2 हो जाएगा, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आपको आ रहा है। बाद में ऊपर 0x स्क्वायर है, नीचे +2x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -5x उतार लीजिए, 6 उतार लीजिए। अब आपके पास जो है यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो आपको कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो आपको कहीं चाहिए तो प्लस में चाहिए, तो यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 मल्टीप्लाई x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो जाएगा।
फिर माइनस मल्टीप्लाइड फोर, तो माइनस फोर हो जाएगा। इसको इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस फाइव एज इट इज़ आ जाएगा, सिक्स प्लस फोर टेन हो जाएगा। तो ये इसका आपका क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल बाई डिवाइडिंग द सेकेंड पोलिनोमियल बाई द फर्स्ट पोलिनोमियल। डिवीजन मेथड से आपको ये पता लगाना है कि ये जो है उसका फैक्टर है या नहीं है। यदि रिमाइंडर जीरो बचता है तो फैक्टर होगा, और रिमाइंडर जीरो नहीं बचता है तो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो आप जो है क्या करोगे, तो इस तरीके से उनको अंदर रखना है, पोलिनोमियल को बाहर रखना है। बाहर रखने के बाद आप इसको जो है इसको सॉल्यूशन करोगे। टी का स्क्वायर माइनस थ्री है, और यहाँ पे टू टी की पावर फोर प्लस थ्री टी के पावर थ्री माइनस टू टी स्क्वायर माइनस नाइन टी और माइनस ट्वेल्व है। तो यहाँ पे टू की पावर फोर चाहिए, यहाँ पे टी की पावर टू है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टू टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे टू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, तो टू टी रेस टू फोर हो जाएगा। टू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई थ्री, तो माइनस सिक्स टी हो जाए स्क्वायर हो जाएगा। टू टी स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, बचेगा थ्री टी की पावर थ्री, ये एज इट इज़ बचेगा। और ये माइनस टू है और ये प्लस सिक्स है, तो प्लस फोर बचेगा, माइनस नाइन टी और माइनस ट्वेल्व है। तो उसके बाद फिर आपको बच्चों क्या करना है, तो थ्री टी स्क्वायर चाहिए कैसे भी करके, और यहाँ पे टी की पावर टू है, आपके यहाँ पे थ्री की पावर थ्री है, थ्री टी की पावर थ्री है, तो थ्री टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो थ्री टी मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, तो थ्री टी की पावर थ्री हो गया। थ्री टी मल्टीप्लाई जीरो, तो जीरो टी स्क्वायर हुआ। थ्री टी मल्टीप्लाई माइनस थ्री, तो माइनस नाइन टी हो गया। तो ये और ये कैंसिल, ये भी जीरो वाला टर्म्स, तो फोर टी में से जीरो टी स्क्वायर गया, तो फोर टी स्क्वायर बचा। नाइन टी माइनस नाइन टी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ट्वेल्व बचेगा। उसके बाद प्लस फोर से मल्टीप्लाई कर, तो फोर टी स्क्वायर माइनस ट्वेल्व। तो इस तरीके से इसको काट लेंगे। जैसे आप इसको डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड करने के बाद आंसर जो जीरो आ रहा है, तो यदि रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो ये इस पोलिनोमियल का एक जो है वो फैक्टर है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्स की एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, और थ्री एक्स की पावर फोर प्लस फाइव एक्स की पावर थ्री माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। तो आप इसको भी आप जो है डिवाइड करोगे, डिवाइड करके जो है आप चेक कर सकते हो कि बच्चों इसका पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। यदि जीरो आ रहा है तो यस, इट इज़ अ सॉल्यूशन, इट इज़ अ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अदरवाइज इट विल बी नॉट। ओके, सेकेंड इक्वेशन में जो है बच्चों रिमाइंडर टू आ रहा है, तो ये इस पॉलिनोमियल का जो है पर्टिकुलरली सॉल्यूशन नहीं होगा, ऐसा कह सकते हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार एग्जाम में और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या, ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ दिस इफ टू ऑफ द जीरोज आर दिस एंड दिस। दो जीरोज आपको दे दिया है, बाकी के जीरोज जो हैं वो आपको पूछ रहे हैं। तो आपको पॉलिनोमियल दिया है थ्री एक्स की पावर फोर प्लस सिक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव। सिंस द जीरोज आर दिस एंड दिस, देन यू गॉट दिस एक्स माइनस अंडर रूट फाइव बाई थ्री एंड इन ब्रैकेट वन, देन सेकेंड ब्रैकेट एक्स प्लस अंडर रूट फाइव बाई थ्री, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री इज अ फैक्टर ऑफ दिस थ्री एक्स रेस टू फोर प्लस सिक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव। द डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय दिस, आपको क्या करना है, ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया उससे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने के बाद अदर फैक्टर मिलेंगे, जो अदर फैक्टर मिलेंगे वही उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आसान ही से हम डिवाइड कर सकते हैं, थ्री एक्स की पावर फोर चाहिए, यहाँ पर एक्स की पावर टू है, तो हम थ्री एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। थ्री एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो थ्री एक्स की पावर फोर हो गया। थ्री एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई जीरो, तो जीरो एक्स की पावर थ्री हो गई। थ्री एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई फाइव बाई थ्री, तो फाइव थ्री या थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई माइनस ऑफ फाइव एक्स स्क्वायर बचेगा। देन आफ्टर इसको सॉल्व करेंगे तो ये सिक्स एक्स का क्यूब हो गया, और जो है माइनस फाइव तो ये प्लस फाइव हो गया। प्लस फाइव माइनस टू कितना हो जाएगा, प्लस थ्री हो जाएगा। माइनस टेन एक्स और माइनस फाइव जो है वो एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद जो है बच्चों आपको क्या करना है, सिक्स एक्स की पावर थ्री चाहिए, यहाँ पे एक्स की पावर टू है, तो सिक्स एक्स से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे आप सिक्स एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा सिक्स एक्स की पावर थ्री प्लस जीरो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स मल्टीप्लाई फाइव बाई थ्री। सिक्स एक्स
मल्टीप्लाई 5/3 करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा और 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 10x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3x की पावर 2 प्लस 0 माइनस x। तो आपको क्या करना है बच्चों, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3x² + 0x - 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो जब रिमाइंडर 0 होगा तो ये इस फैक्टर का सॉल्यूशन बनेगा और इसका ये ऑलमोस्ट जो है वो फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो फैक्टर आएगा उसका हम लोग यदि कॉमन आउट निकालेंगे 3 इसके अंदर से, तो ये हो गया x² + 2x + 1 जो x + 1 का होल स्क्वायर बचेगा। तो x + 1 = 0 करेंगे तो x = क्या हो गया, -1। तो x = -1 जो है इस पर्टिकुलर का अदर सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ऑन डिवाइडिंग दिस बाई ए पोलिनोमियल दिस द कोशेंट एंड रिमाइंडर आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड g(x)। हमको g(x) निकालना है, आप क्या करेंगे, तो p(x) = this इज गिवन, q(x) डिवीजर इज नॉट गिवन, कोशेंट इज गिवन एंड रिमाइंडर इज गिवन। तो वी नो द फॉर्मूला ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड अपने को दे दिया है x³ - 3x² + x + 2। डिवीजर g(x) अपने को नहीं दिया है और उसके बाद फिर कोशेंट x-2 दिया है, रिमाइंडर जो है वो 2x - 2x + 4 दिया है। तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो है आंसर मिलता है बच्चों, क्या करना पड़ेगा, तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, x³ - 3x² + 3x - 2, उसको हमें x(x-2) से डिवाइड करना पड़ेगा, x-2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे आप x-2 से उसको डिवाइड करेंगे, उसका रिमाइंडर क्या है, 0 बच रहा है, ठीक है। मीन्स ये जो है इसका फैक्टर आ जाएगा x² - x + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिव द एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल p(x), q(x), g(x) आर एस एक्स वी सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम। तो आप जो है इस तरीके से इस अपना एल्गोरिदम जो है मैप जो है चार्ट जो है आसानी से आप जो है वो फाइंड कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू द डिवीजन फॉर एल्गोरिदम p(x) and q(x) आर द टू पॉलिनोमियल विच एफ q(x) g(x) = 0, देन वी कैन फाइंड द पॉलिनोमियल q(x) and r(x) such that p(x) = g(x) + r(x) + q(x) + r(x) इस तरीके से इसका जो है वो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। देन आफ्टर लेट अस एज्यूम द डिवीजन ऑफ दिस बाई 2, देन यू कैन ईजिली डिवाइडेड दिस पॉलिनोमियल बाई यूजिंग द एनी जनरल नंबर। डिवीजन एल्गोरिथम इज सेटिस्फाइड। तो इस तरीके से बच्चों आज के वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन कर लिया हुआ है और मैंने कुछ आज जो है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी बताए हैं चैप्टर्स के बारे में, डिवाइड कैसे करना है वो भी मैंने आप लोगों को बताया। तो ये सभी मेथड जो है आप लिए इंपॉर्टेंट मेथड हैं, जितने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं उसका रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेके। सभी क्वेश्चंस करने बच्चों ज़रूरी है, आपके एग्जांपल को भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग कीप शेयरिंग।